ऑलराइट सो है गाइस नागरिस्ट ऑन आई लव अम्बेक जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में आ चुके हैं। दानिश भाई जहाँ पे जाके ब्लॉग बनाया था उस टाइप का लग रहा है फीलिंग अपना वेस्ट बंगाल में लावा का इस साइड में। सो व्हाट्सअप 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 मेम्ब्रो इधर अगर मजाक किया तो फिर सीधा गड्ढा में गया तो शायरी वाला थोड़ा लग गया शायरी वाला फीलिंग आ रहा है इसको देख के। इट इज नॉट रैली एंजॉय द वैली फाइनल ईयर गाइस तो पहुंच चुका है यार बहुत खतरनाक डर है यार इधर और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आया है तो हियर इज द अम्बेक। यहाँ पे टाका दिया है यानी कि ब्रिज उधर ना जाए समझ में आ रहा है ब्रिटिश टाइम का है तो लिटरली बम लग रहा है इस चीज को तो हम ध्यान ही नहीं दिया था यार। ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी इट्स योर बॉय जस्टिन खान बैक अगेन न्यू वीडियो वेरी वे सो आई हमेशा की तरह और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ आ चुका है तुम्हारा भाई। तो फिर बिन्नागुड़ी बानाहाट चालसा से आने का बाद में हम लोग एंटर किए हैं लाभा जाने के लिए। तो कभी भी अगर आओगे इस जगह में लाभा अगर जाना है तो अगर आप आ रहे हो अगर अलीपुर द्वार का इधर से तो आपको आना पड़ेगा आप चालसा माल बाजार से पहले एक पेट्रोल पंप मिलेगा भारत पेट्रोल पंप वहाँ से एक बगान का रास्ता है वहाँ से आपको एंटर करना पड़ेगा। तो वहाँ से एंटर करने से पहले आपको मिलेगा एक दुर्जंग झोड़ा उसके बाद मिलेगा आपको माल नदी गार्डन दुर्जंग झोड़ा गार्डन माल नदी गार्डन एंड देन उसके बाद में मिलेगा आपको बिंगलास्टी गार्डन। तो अभी हम लोग हैं बिंगलास्टी गार्डन में तो अपन के पास मोटर ब्लॉक सेटअप है नहीं तो इसीलिए मैंने इतना लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए सीधा से आया और बिंगलास्टी ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है। अगर आप लोग आ रहे होगा सिलीगुड़ी साइड से गाजोलडूबा साइड से तो आप लोग को आना पड़ेगा डामडीम से ऊपर आना पड़ेगा और डामडीम से अगर आइएगा तो आप लोग को इस रास्ते से आने को मिलेगा। लेकिन हम लोग आए हैं चालसा का उधर से तो हम लोग इस रास्ते से आए हैं और अभी हम लोग जाएंगे इस रास्ते में। अगर आप लोग डामडीम होके आइएगा तो आप लोग को थोड़ा दूर पड़ेगा रास्ता अगर आप लोग आइएगा चालसा होके तो आप लोग को शॉर्ट मिलेगा ये रास्ता। तो हम लोग इस जितना जगह का नाम बताए ये जगह सब हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग और अपन साथ में है अपन जीजाजी जो कि आप लोग देख सकते हो फुल एंड फाइनल रेडी होके आ चुका है। तो बताइए कैसा लग रहा है? यस यार गॉर्जियस एंड वी आर द एंजॉयिंग द टूर वेरी मच एंड एवरीथिंग इज गोइंग बेटर इट्स नाउ सो अभी चलते हैं क्या होता है क्या नहीं बहुत ही मजा आने वाला है बहुत ही एक्साइटमेंट है अपन जीजू और अपन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं लाभा लोले गांव। इधर बहुत बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है तो आप लोग के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं सो बहुत मजा आने वाला है आप लोग बने रहना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं सो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर नाउ यू आर लिविंग फॉर मियर सो यार गाइस तो अभी मिंगला से हम लोग निकल रहे हैं अपना लाभा के लिए। तो अभी हम लोग को मिलेगा इधर गोरुबथान जो कि थोड़ा सा आगे जाके है जैसे ऑलराइट सो है गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कुछ इस टाइप का लोकेशन में रुके हुए हैं तो हम लोग आए थे इधर से एंड अभी हम लोग को जाना है इधर अगर सीधा जाइए तो आप लोग को दिख रहा है लाभा 41 किलोमीटर जो कि आप लोग देख सकते हो और इधर हो गया अपन के लिए 17 किलोमीटर है यहाँ से अगर आप राइट साइड जाइए गोरुबथान 01 किलोमीटर है यहाँ पे और अलगरिया 59 किलोमीटर जो कि आप लोग को यहाँ से जाने के राइट साइड में आप लोग को जाने से अलगरिया मिलेगा। तो वह ही सो यही है यहाँ का चेक पोस्ट जो कि यहीं से चेकिंग होता है एंड देन इसके बाद में सीधा जाता है मतलब बाइक का नहीं बड़ा गाड़ी का चेकिंग होता है। सो भाई सो बहुत ही मज़ा आ रहा है और मौसम भी बहुत ही सुहाना है और अपन भैया ने मजा लेते हुए और इधर का देखिए ये जो पेड़ सब है ना इधर तो थोड़ा कम है लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग तो एकदम दार्जिलिंग वाला फीलिंग आएगा इधर है ना आगे तो आप तो नया है हम भी नया है लेकिन इधर अगर जाएंगे आगे तो दार्जिलिंग लगेगा क्योंकि ये पेड़ सब जो दिख रहा है ना इधर तो थोड़ा बहुत ऐसा पेड़ मिलेगा वो आगे में। सो हम लोग को अभी यहाँ से सीधा जाना है इधर नहीं जाना है अगर इधर जाने से हम लोग को मिलेगा गोरुबथान और अलगेरिया
तो इधर मिलेगा लाभा एंड पापड़ खेती। सो अभी हम लोग चलते हैं एंड मजे लेते हैं। तो भैया बोल रहे फोटो शूट करेगा इधर, तो फोटो शूट करते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह सब कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग इसके बाद में यहाँ से चलेंगे अपना डेस्टिनेशन में। क्योंकि इधर का रास्ता बहुत खतरनाक है यार गाइस, ऐसा है तो उसके वजह से ये चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि इधर वैली वैली है और इधर अगर मजाक किया तो फिर सीधा गड्ढा में गया खत्म। तो शायरी वाला थोड़ा लग गया, शायरी वाला फीलिंग आ रहा है इसको देख के। इट इज नॉट रियली एंजॉय द वैली। सो एंजॉय करेंगे हम लोग, जाएंगे एंड एंजॉय करने ही आए हैं। सो आप लोग को भी एक्सप्लोर कराएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पर मजा तो बहुत आने वाला है। मोबाइल चार्ज करना है, गाड़ी भी दिखाता है तो एक काम करते हैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करते हैं यहाँ पे अंकल सर लोग को बोल के, फिर बाइक तो उधर रख चुके हैं तो थोड़ा सा बाइक को लेके आते हैं, थोड़ा मोबाइल चार्ज करते हैं एंड देन फिर हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन में। आप लोग जैसे कि देख सकते हो गुरुपतन गवर्नमेंट कॉलेज हो गया इस रास्ते में पड़ेगा एंड डिस्ट्रिक्ट हो गया दार्जिलिंग। यार गाइस ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और दार्जिलिंग वाला फीलिंग आ रहा है देख सकते हो। और हम लोग कुछ इस टाइप का लोकेशन में रुके हुए हैं और जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब भैया जी का चार्ज नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चेक पोस्ट दिखाया आप लोग को, चेक पोस्ट में पूछा तो इधर भी करंट नहीं है अपना, उधर भी करंट नहीं है, यानी कि हवा तूफान पूरा सब तरफ आके मतलब बारिश आके पेड़ उड़ टूट के सब करंट तार सबको तोड़ दिया है और मोबाइल सबका बंद हो चुका है। तो देखते हैं आगे जाके, तो चार्ज हो सकता है तो चार्ज करेंगे, नहीं तो मेरे ही फ़ोन में तो चार्ज है, ऐसा ही एंजॉय करेंगे यही फ़ोन से, है ना। ये गाछ को देखिए पेड़ को। तो हम लोग अभी स्ट्रीम का मजा ले रहे हैं, भैया जी स्ट्राइक भी रहा है तो एंड अभी हम लोग को इस साइड जाना पड़ेगा, तो एक बार आप लोग को दिखाई देते हैं बाहर जाके। ये हो गया आपका गुरुपथन का मेन मार्केट, तो अभी हम लोग को इधर जाना है, बहुत सारा टूरिस्ट सब आया हुआ है। देयर इज़ द बाइक इधर पार्क किया है, तो फटाक से पीते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सो हे गाइस, जैसे कि नाउ यार रीच्ड ऑन श्री श्री हरिकेश्वर शिव मंदिर, जो कि आप लोग देख सकते हो वैली के बीच में एक मंदिर है जो कि हम लोग यहाँ से आ रहे थे। हम लोग को ये मंदिर मिला। बहुत ही ये शिव मंदिर है, बहुत ही अच्छा लोकेशन में है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं और देख सकते हो इसको सजाया गया है। क्या ही बोले डूट, लिटरली बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक वाला हवा चल रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। भैया जी मेरा कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं देखो आईना में, यहाँ पर आईना में मिरर है। ओह यार लुक एट दिस मिरर यार, असम डूट लिटरली बम लग रहा है, इस चीज को तो हम ध्यान ही नहीं दिया था यार। ओह थोड़ा बहुत इधर फोटो शूट करते हैं एंड देन इसके बाद में आगे चलेंगे। जो भी आता है यार एक बार तो यहाँ पे व्यू चेक करके ही जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रिज है जो कि आप लोग को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। ये सारे कोई ने नीचे यहाँ से गया हुआ है, नीचे एक ब्रिज है, बहुत पुराना टाइप में ब्रिज दिख रहा है जो कि वो ब्रिज अभी खराब हो चुका है ना, तो उस ब्रिज को अभी एक्सप्लोर करेंगे आप लोग के साथ। हेयर इज द ब्रिज, देख सकते हो बहुत ही पुराना ब्रिज है, लेकिन इतना कोई बंदा गया है लेकिन ये बंदा लोग मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन आई डोंट नो कहाँ गया है। यहाँ से चलते हैं एंड उस ब्रिज को एक्सप्लोर करते हैं आप लोग के साथ। बहुत ही मजा आने वाला है, चलो चलते हैं नीचे एंड दिखाते हैं आप लोग को। ओ भाई साहब इतना डर लग रहा है ना मेरे को यहाँ पे, कोई भी तो नहीं है नीचे, इतना बाइक है कहाँ पे फिर। ओ तेरी माँ की आँख, ओ माँ, ओ वाओ, आ जाओ इधर इधर से होके नीचे, तो इतना ऊपर तो इतना बाइक दिखा लेकिन एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, एक भी बंदा नहीं दिख रहा है इधर। ओ यानी कि सब कोई नीचे नहा रहा है। तो ये ब्रिज अभी है बंद और सारा कोई नहीं नीचे गया हुआ है और नीचे नहा रहा है, देख रहे
ये देखो। ऑलराइट सो है गाइस, जैसे कि फाइनली यार गाइस तो पहुंच चुका है और खतरनाक डर है यार टूर के लिए, ऐसा लगा आप देख रहे हो कब थाने चला होना जगह है यार। तो ये रहा वो ब्रिज जो कि आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करने वाले हैं बहुत ही दमदार तरीका से यार भाई, बहुत ही दमदार तरीका से यहाँ पे फोटो शूट होगा। देख रहे हो मेरा जीजू क्या बोल रहा है, आई एम मंडालिका। ओह मंडालिका कहाँ का हॉरर प्लेस लग रहा है यार, ये तो देख रहे हो यार इतना खतरनाक है। सो फटाक से हम लोग फोटो शूट करते हैं एंड मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश आने के जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे फोटो शूट करते हैं एंड हम लोग को डेस्टिनेशन अभी तक नहीं पहुँचे, यहाँ से हम लोग को करीबन अभी 40 मिनट एक घंटा लगेगा जाने के लिए। सो भाई सो चलते हैं जल्द से यहाँ फोटो शूट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं। बाकी बहुत सारा पब्लिक नीचे फोटो शूट करने के लिए गया है, हम लोग नीचे जाएंगे नहीं, नीचे रिवर है वो लोग नहाने के लिए गए हैं। सो हम लोग यहाँ से फोटो शूट करते हैं चलते हैं। सो क्या बोलते हैं आप, ये टाका दिया है यानी कि ब्रिज उधर ना जाए, हो सकता है ब्रिटिश टाइम का है तो ये उस साइड जाने के लिए बनाया था लेकिन ये अभी हो गया है खराब। सो हम लोग सब हम लोग को जैसा लग रहा है तो आप लोग इधर से आके आप लोग नीचे जा सकते हैं जैसे कि वो बंदा लग गया है। सो हियर इज द ब्रिज, नाउ यू आर लिविंग फ्रॉम हियर। सो ये ब्रिज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, झाड़ी से हम लोग को पार होना पड़ रहा है। सो फाइनली गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था इस लोकेशन में जहाँ पे गए थे हम लोग ब्रिज का यहाँ पे, और देख पा रहे हो किस टाइप का है लोकेशन, बहुत पुराना खदारा लग रहा है। दानिश भाई जहाँ पे जाके ब्लॉग बनाया था उस टाइप का लग रहा है फीलिंग अपना, वेस्ट बंगाल में लाभा का इस साइड में। सो आई डोंट नो इस जगह का प्रॉपरली, जिस लोकेशन में अभी है हम लोग इस लोकेशन का पता नहीं है, बट जो भी है बहुत ही बम है ये ब्रिज, बहुत पुराना है वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। तो फोटो शूट हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है। सो निकलते हैं अगला डेस्टिनेशन की ओर और आप लोग को दिखाते हैं। सो भाई ऑलराइट, सो है गाइस नायर रेस्ट ऑन आई लव अम्बेक जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आया है। सो हेयर इज द अम्बेक। सो भाई सो अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हेयर इज द अपना भैया जो कि देख रहे हो फुल पावर। सो इधर से मेरा थोड़ा सा एनिमेटिक लीजिए। सो है गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ का बैक साइड का व्यू कुछ इस टाइप का है और अपन ने यहाँ पे पहुँच चुके हैं आई लव अम्बेक। हम लोग को इस रास्ते से बहुत सारा ऊपर जाना है यार, अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर है लाभा। कैसा लग रहा है इधर, जितना ऊपर आ रहे हैं उतना ठंडा फील हो रहा है। तो गर्मी कपड़ा लेके आए हैं, अगर ज़्यादा ठंडा लगेगा तो हम लोग पहन लेंगे। तो वही फुल पावर यहाँ पे एक फोटो शूट वगैरह सब करते हैं एंड देन उसके बाद में हम लोग अगला डेस्टिनेशन चलेंगे। तो वो भी ऑलराइट, जैसे कि जितना भी आप लोग को दिखाया सो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ब्लॉग आज का। सो कैसा लगा कैसा नहीं एक बार कमेंट में जरूर से बता देना। तो क्या करना है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो पता ही है। तो देख रहा है तुम्हारा भाई जब इतना मेहनत कर रहा है यहाँ से वहाँ वीडियोस के लिए एक से एक कंटेंट डालेगा अभी तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए। तो वही तो तुम लोग को भी बनता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना डूट करके मारो यार, लाल बटन को दबाओ तोड़ो थोड़ा मारो। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नाउ दैट सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। स्टिल देन स्टे सेक्सी बेबी।
पे ही में एक बार कर दो पे ही में